आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया यामाहा PSRE 383 कीबोर्ड का गिटार टोन कैसे मॉडिफाई करते हैं दोस्तों, आइए आज हम सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर कीबोर्ड है ये, एकदम नया कीबोर्ड है, एकदम ये कीबोर्ड नया लॉन्च किया हुआ है। ये अभी मेरे हाथ में आया है तो इसका डेमोस्ट्रेशन मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो टोन तो मैंने बजा लिया, तो इसका पैरामीटर कैसे सेटिंग करते हैं दोस्तों देख लीजिए। तो इधर में आपको 289 जो गिटार टोन है 289 उस टोन को लाना है। उसके बाद इधर में जो फंक्शन बटन है उस बटन को प्रेस करना है। उसके बाद इधर में ट्रांसपोज आ जाएगा, ट्रांसपोज 0, और इधर में कैटेगरी प्लस बटन और माइनस बटन दिया हुआ है ऊपर में, इस बटन से हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बटन को प्रेस करते रहिए, आगे नंबर चेंज हो जाएगा। तो प्रेस करते हैं प्लस बटन, ट्यूनिंग 440, इसमें टच सेंस मैंने सॉफ्ट रखा है, मास्टर वॉल्यूम 70, मास्टर ऑक्टेव -1, एम रिवर 25, एम कोरस 20, उसके बाद डी वॉल्यूम 50 और डी वॉइस आपको स्टिंग्स, सोलो स्टिंग जो है, सोलो स्टिंग्स उस स्टिंग्स को लाना है, या कोई भी स्टिंग टोन 101 जो टोन है उस टोन को लाना है। और डुअल टोन आपको आएगा शिफ्ट बटन को होल्ड करके सीधा इधर में डुअल जो बटन है उस बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इधर में स्टिंग्स जो ग्रुप है उस ग्रुप पे आके कैटेगरी प्लस बटन प्रेस करके आपको स्लो स्ट्रिंग जो है, स्लो स्ट्रिंग लिखा आएगा उस नंबर को लाना है। उसके बाद प्लस बटन प्रेस करेंगे, डी ऑक्टेव -1, डी रिवर्ब 34, टी कोरस 0, उसके बाद सीधा आ जाइए आप रिवर्ब पे, रिवर्ब हॉल 4 नंबर और इसका लेवल 82, कोरस 1 नहीं, कोरस आपको रखना है इधर में नीचे में प्लस बटन प्रेस करके आपको फ्लेंजर 1 रखना है, फ्लेंजर 1। फिर कैटेगरी ऊपर का प्लस बटन प्रेस कीजिए, चेंज हो जाएगा अपने आप, फंक्शन चेंज हो जाएगा। डीएसपी टाइप आपको रखना है दोस्तों, इधर में डीएसपी टाइप आपको रखना है। नीचे में प्लस माइनस बटन प्रेस करके आपको लाना है 23 नंबर रखना है और डीएसपी बटन ऐसे फ्लेवर आएगा। तो फिर प्लस बटन प्रेस करते हैं, जिसमें सस्टेन आएगा, मास्टर लिक्विडाइजर बूस्ट नंबर 2, और इधर में और कुछ ऑप्शन नहीं है, आपका टोन हो गया दोस्तों, आपका टोन हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है, ऊपर में आपको 2 काम करना है। इधर में क्या करना है दोस्तों, डीएसपी बटन, डुअल बटन डीएसपी बटन आपको ये दोनों बटन को प्रेस करके ऑन करना है, डुअल बटन और स्पीड बटन, ये
सॉरी डुअल बटन और डीएसपी बटन, ये दोनों बटन को आपको ऑन रखना है। इसमें ये डिस्प्ले में आएगा, ये देख लीजिए डुअल बटन और स्पीड बटन मेरा ऑन है, दोनों बटन मेरा ऑन है, आपका टोन हो गया। सेम टू सेम ऐसा ही टोन आएगा दोस्तों। जब टोन बन जाएगा, इधर में शिप बटन लिखा हुआ एक बटन है और मेमोरी रजिस्ट्रेशन मेमोरी लिखा हुआ बटन है, शिप बटन को ऐसे होल्ड कीजिए और मेमोरी बटन को ऐसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद इधर में नीचे में एक नंबरिंग आएगा, इधर नंबरिंग, ये रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है ये अप डाउन हो जाएगा, ऐसा ऐसा करेगा। उसके बाद आपको नंबर चॉइस करना है, किसी भी नंबर आप चॉइस कीजिए, इधर से किसी भी नंबर आप चॉइस कीजिए, 1 से 0 तक ये जो नंबर है, ये नंबर किसी भी नंबर आप चॉइस कीजिए। ये बैंकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये रजिस्ट्रेशन मेमोरी बैंक है, ये 10 टोन इधर में रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी नंबर आप चॉइस कीजिए, चॉइस करने के बाद नंबर दबा दीजिए। नंबर दबा देने के बाद इधर में यस लिखा हुआ एक बटन है, इसको पेश कीजिए, आपका टोन वहीं पे, आपका वही नंबर पे सेव हो जाएगा। जब टोन सेव हो जाएगा, ये नंबर 5 है मेरा, R नंबर 5 इधर में लिखा आएगा, ये नंबर 5 नंबर में मेरा ये टोन सेविंग किया हुआ है। फिर इसको निकालेंगे कैसे, इधर में डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन मेमोरी बटन प्रेस कीजिए और इधर से जो नंबर आपने दबाया था सेव किया वही नंबर आप प्रेस कीजिए, आपका टोन वहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। ओके, ये था एकदम नया कीबोर्ड यामाहा PSR E383 कीबोर्ड का गिटार टोन। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।